बिग बॉस 17 में तो आप लोग जान ही रहे इसमें क्या चल रहा है। ईशा मालवा जो है उसका करेंट बॉयफ्रेंड भी है, उसका एक्स भी है। ईशा पहले डिनाई कर रही थी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा दोस्त है अभी। ठीक है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है जो तूने मुझे जाने देता है, जो रिस्पेक्ट तूने मुझे अभिषेक नहीं दिया वो रिस्पेक्ट मुझे उसने दिया। भाई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था ना, ठीक है पहले छोड़ देती वो, मतलब रिलेशन ख़त्म होने के एक दो महीने या डेढ़ महीने बाद तो कैसे आ सकते भाई। तेरा तू बोलती रहा तेरा सीरियस रिलेशन है, तो पर एक बात सीरियस रिलेशन में ना मूव ऑन तूने वो कितना टाइम लगा। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ है ना, ये सो ये तुझे पता होगा तो तू मतलब डेढ़ महीने कितने महीने बाद रिलेशन में आई, और तुझे चीट करना है, तुझे दोनों लड़कों को डेट करना है, अभी तुझे अभिषेक के लिए भी फीलिंग्स है, तुझे तेरे करेंट बॉयफ्रेंड के लिए भी फीलिंग्स है। मतलब तू क्या कर रही, गेम खेलने नहीं है, रिलेशन बनाना है तो रिलेशन बना ले। और हाँ ये जो इस बार बिग बॉस में थीम रखा है ना कपल वर्सेस सिंगल, ये थीम मेरे को बहुत बेकार लग रही, क्योंकि भाई तुम कपल मतलब मैरिड बंदे लोग को लाए हो तो मतलब उन लोग के रिलेशन को लग रहा है बिग बॉस में तवाई मचा के रहे हैं। बिग बॉस में वो गेम खेलने नहीं है, मुझे लग रहा है उन लोग घर की पूरी जो भड़ास है वो बिग बॉस में निकाल, मतलब इतना झगड़ा हो भाई। मुझे अंकिता और विक्की जैन का तो समझ, भाई अंकिता और विक्की जैन के घर पे भी ऐसे रहते होंगे जैसे वो इधर है, ठीक है? और मुझे ऐश्वर्या नील भट्ट इतने क्यूट लगे ना है, और मुझे उन दोनों बहुत क्यूट लगे, उन दोनों झगड़ा नहीं करते झगड़ा, बट क्यूट झगड़ा रहता है ना वैसा झगड़ा करते। और इन लोग का भाई मुझे ये सब हस्बैंड वाइफ का नहीं समझता, किसको चुन लिया तूने अंकिता किसको, मतलब छोड़ो क्या ही बोलने का, बट बिग बॉस में इस बार लग रहा है बहुत बेकार, मतलब पूरा दिमाग सही पकड़े हैं। बॉस में आ गए ना एक्स करंट, और अभी तो रुको क्लाइमेक्स अभी बाकी है, बॉयफ्रेंड फिर उसकी गर्लफ्रेंड, भाई ये तो बेकार ही कर दिया, पूरी तरह बेकार कर दिया मेरे, मतलब भाई समझ सकते हो अपना एक्स की जोर के सामने रहेगा तो कितना हर्ट होता है, वैसे क्या ही बोलूं।